रोजगार मिला टीरी विस्तार युवा कुछ नहीं है रोजगार विस्तार से तो क्या कर रहे हैं आप अभी प्राइवेट कंपनियों में ऐसे ही हम लोगों को जंगलों में जंगलों की तरफ बंदरों की तरफ फेंक दिया गया है यहाँ पे हम लोग न तो पीने का पानी है और न हमारे लिए कोई रोजगार हमारे बच्चे जो भूख यहाँ पे जमीन बेच रहे हैं भूखे मर रहे समझो आप कुछ दिन में ये फुटपाथों में आ जाएंगे टिहरी गढ़वाल के बाद विस्थापितों से विस्थापित होते समय अनेक वादे किए गए पर वास्तव में ये वादे कहीं दिखते नहीं हैं आप बेरोजगार हैं हाँ जी विस्थापित भी हैं घर में परेशानियाँ होती है रोजगार नहीं है पढ़ाई करने के बावजूद भी कोई रोजगार नहीं है और आगे क्या होने वाला है इस तरह से जो विस्थापित हैं बेरोजगारी होगी तो परेशान बड़े हम बेरोजगार क्यों हैं क्योंकि अगर पर्याप्त जल होता तो हम अपने खेत से सब्जी उगाते अन्न उगाते गन्ना उगाते और हमें फिर बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़ता जो कुछ भी हमें प्राप्त था उसी से हम अपना जीवन यापन करते मोटर काम नहीं कर रही है बिजली फेल हो रही है ऐसे में कैसे काम चलेगा फसल जब जरूरत पानी की हमें है आज जरूरत है एक महीने बाद हमें पानी मिलेगा तो वो फसल बेकार हो जाएगी क्योंकि जरूरत तो आज है इस तरह से जो है यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या हमारी जल की है उसी के लिए झगड़ा भी होता है मैं चाहती हूँ कि टेरी डैम विस्थापितों को उनका हक मिले वह इनको रोजगार मिलना चाहिए जिससे ये अपना जीवन यापन कर सकें इनकी ज़मीनें भी सुरक्षित रहें इसके लिए आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं व डीएम देहरादून को 0135262350326599975 पर कॉल करें इंडिया अनहर्ड के लिए देहरादून उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल